सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस 2017 में लॉन्च हुई थी और ये 2021 का फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ डीजल में आती है, रेंज शुरू होती है एक शोरूम 30 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 32 लाख रुपीज़। और ये टॉप मॉडल शाइन आप देख रहे हैं। C4 एयरक्रॉस को रिप्लेस किया है C5 ने। इसकी इंडिया, फ्रांस और चाइना में असेंबली होती है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव SUV है। 1919 में आंद्रे सिट्रोएन ने फ्रांस में शुरू की थी सिट्रोएन कार कंपनी। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया में मशहूर है सिट्रोएन। फ्रंट व्हील ड्राइव, फोर व्हील इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के साथ दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस कार सिट्रोएन ने ही बनाई थी 1934 में। और आज स्टेलांटिस कंपनी ओन करती है सिट्रोएन को, जो अबार्थ, अल्फा रोमियो, क्राइसलर, डॉज, फिएट, जीप, मजराटी, ओपेल, राम और पिजो को भी ओन करती है। एकाउस्टिक विंडशील्ड ग्लास है और ये फॉग लैम्प कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ। फ्रंट सेंसर्स हैं, मैट ब्लैक अपर ग्रिल है और ये सिट्रोएन का शेवरॉन शेप क्रोम लोगो। और ये है LED विजन प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक हेडलैम्प LED DRL के साथ। बोनेट पे डिज़ाइन है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, रूफ रेल्स हैं, सनरूफ है, काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन है रूफ रेल्स का। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पावर फोल्ड, हीटेड आउटसाइड मिरर हैं, LED टर्न इंडिकेटर और पडल लैम्प के साथ। साइड एयर बम्प हैं नॉक या स्क्रेप से बचाने के लिए। बॉडी साइड मोल्डिंग है, डबल लेमिनेटेड फ्रंट विंडोज़ हैं। 4.5 मीटर लेंथ है, 1.7 मीटर हाइट है, 5.3 मीटर टर्निंग रेडियस है और लगभग 1500 kg कर्ब वेट है C5 एयरक्रॉस का। और ये हैं 18 इंच के स्वर्ल 2-टोन डायमंड कट अलॉय व्हील। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। अलॉयज़ के बीच में भी सिट्रोएन का लोगो है। रियर डिस्क ब्रेक्स, ये क्यूमुलस ग्रे कलर आप देख रहे हैं, वाइट, ब्लू और ब्लैक कलर का भी ऑप्शन है। डुअल टोन में ब्लैक रूफ कलर का ऑप्शन मिलेगा। सेफ्टी के लिए यूरो NCAP ने 5 में से 4 स्टार्स दिए हैं C5 एयरक्रॉस को। सिट्रोएन C5 नाम से लिफ्टबैक सेडान भी आती है, बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और ये फॉग लैम्प, रियर सेंसर्स हैं, क्रोम डुअल एग्जॉस्ट पाइप्स हैं। 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी सिट्रोएन देती है C5 पर। C5 एयरक्रॉस मॉडल की बैजिंग, सिट्रोएन का लोगो, रियर कैमरा, रियर वाइपर, LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प। और ये हैं 3D LED रेक्टेंगुलर 4 ऑप्टिकल टेल लाइट। और यहाँ से भरेंगे डीजल, एड ब्लू टैंक है। की रिमोट से आप विंडोज़ ओपन या क्लोज कर सकते हैं। पेट्रोल इंजन और प्लग इन हाइब्रिड मॉडल्स भी आते हैं, बट वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। 2 ड्राइव मोड्स मिलेंगे, ईको और स्पोर्ट। आगे कंप्रेशन और रीबाउंड डबल प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिक कुशंस के साथ मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे कंप्रेशन सिंगल प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिक कुशंस के साथ ट्विस्ट बीम एक्सल मिलेंगे। सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्रैश ऑटो डोर अनलॉक, रियर डोर चाइल्ड लॉक, पेरीमीटर वॉल्यूमेट्रिक अलार्म, आगे पीछे पार्किंग सेंसर्स, रिवर्सिंग कैमरा, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, कीलेस एंट्री, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और आगे पीछे 3-पॉइंट रिट्रैक्टेबल सीट बेल्ट्स हैं, प्री टेंशनर्स और 4 स्विमिटर्स के साथ। एक्सरीज में भी कई ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कार कवर, मड फ्लैप, व्हील बैज कैप्स, एंटी थेफ्ट बोल्ट किट, विंड डिफ्लेक्टर, विंडो सनशेड, फ्लोर मैट्स, सीट कवर और ट्रंक नेट। सिट्रोएन फ्यूचर श्योर फाइनेंसिंग प्लान है, जिसके ख़त्म होने पर आप C5 को बदलकर दूसरी नई कार ले सकते हैं या C5 डीलरशिप को रिटर्न कर सकते हैं। ये प्लान मेंटेनेंस, वारंटी और ऑन रोड फाइनेंसिंग को भी कवर करेगा। नीचे पैर घुमा के भी आप बूट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगी 580 लीटर की बूट स्पेस। रियर सीट्स फोल्ड करने पर 1630 लीटर की स्पेस बन जाएगी।
काफ़ी स्पेस, यहाँ लाइट है, 12 वोल्ट का पोर्ट है और ये स्पेयर व्हील और टूल किट। वन टच से ही क्लोज हो जाएगा बूट। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। 6 स्पीकर्स का म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा C5 में। आगे पीछे वन टच पावर विंडोज़ हैं पिंच प्रोटेक्शन के साथ। पावर विंडो का बटन, स्पीकर, काफ़ी स्पेस और ये है ग्रे लेदर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में कंफर्ट सीट्स। 3 इंडिपेंडेंट फुल साइज़ रियर सीट्स हैं एडजस्टेबल रिक्लाइन एंगल के साथ जो 150 mm तक रिक्लाइन हो सकती हैं। हाई डेंसिटी फोम सीट्स हैं चौड़े कुशंस के साथ। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेंगे। सनरूफ है। यहाँ से फोल्ड होंगी सीट्स। तीनों सीट्स अलग अलग फोल्ड हो सकती हैं। फ्लैट फ्लोर है। यहाँ से भी आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। वन फिफ्टी एम एम तक रिक्लाइन हो सकती हैं तीनों सीट्स। पार्सल ट्रे, सीट बेल्ट, एलईडी रीडिंग लाइट है। 2 AC वेंट्स, USB पोर्ट और ऐसे दिखता है डैशबोर्ड। मेट्रोपॉलिटन ग्रे इंटीरियर है। 3 स्पोक स्टेयरिंग है। हैंडल बार, आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। यहाँ पर भी डोर पे नीचे स्पीकर है और काफ़ी स्पेस है। लेदर फिनिश है डोर पे, स्पीकर, पावर विंडो के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स, काफ़ी स्पेस और ये स्टेनलेस स्टील से ट्रॉइन स्कफ प्लेट और ये टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन। 6-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। आगे हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स मिलेंगे। लंबर सपोर्ट है फ्रंट सीट्स में। आइए फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। यहाँ पर भी डोर पे नीचे स्पीकर और काफ़ी स्पेस है। पैसेंजर सीट 6-way मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगी। टेल्ट और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग है। 2-tone horn है। आर्मरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस दी गई है। लाइट भी है। LED इल्यूमिनेटेड कप होल्डर्स हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ये है E88 8-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। पार्किंग P बटन है और ये न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स, पार्क। यहाँ थोड़ी स्पेस और ये ग्रिप कंट्रोल मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इको ड्राइव मोड, स्पोर्ट ड्राइव मोड, हिल डिसेंट कंट्रोल और ये USB पोर्ट, 12 वोल्ट का पोर्ट और ये डुअल जोन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल AC, पोलन फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और एक्टिव ओडर फिल्टर के साथ। ये इंफोटेनमेंट के बटन्स,
और ये है 8 इंच का कैपेसिटिव HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा ब्लूटूथ, USB, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, FM और रेडियो। ये AC कंट्रोल्स, ये FM, ऑडियो सेटिंग्स, बैलेंस, साउंड सेटिंग्स, यूनिट, सिस्टम इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी, 3 कलर के एम्बियंस सेटिंग्स हैं, रेड, ब्लू और ब्राउन। ये ब्लू कलर, थोड़ा टाइम लगता है एम्बियंस को लोड होने में। और ये ब्राउन कलर, AC वेंट्स हैं साइड में, और ये डैशबोर्ड की फिनिश। और ये ग्लो बॉक्स लाइट के साथ, और ये रेड एम्बियंस कलर लोड हो गया है। ये डेट टाइम सेटिंग्स, स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कस्टमाइजेशन, लैंग्वेज सेटिंग्स, और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर 2 लाइट्स के साथ, इलेक्ट्रोक्रोमिक रियर व्यू मिरर, LED रीडिंग लाइट्स हैं। और ये है पैनारोमिक ग्लास सनरूफ, ऑटो रिवर्स सेफ्टी फंक्शन के साथ, 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ करती है सनरूफ। और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर 2 लाइट्स के साथ। और ये है लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वॉल्यूम और वॉइस कंट्रोल, ये फ़ोन और इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर, वाइपर के कंट्रोल्स हैं, ये लाइट के कंट्रोल्स, ये क्रूज कंट्रोल, स्पीड लिमिटर और मेमोरी सेटिंग्स के साथ। और ये स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, मैनुअल स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है। और ये है 12.3 इंच का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो दिखाएगा फ्यूल लेवल, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डिजिटल स्पीड, इंजन टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, ओडोमीटर और कई इंफॉर्मेशन। एड ब्लू रेंज, ये मिनिमम डिस्प्ले, पर्सनल डिस्प्ले, डायल्स डिस्प्ले, एवरेज रेंज, स्पोर्ट ड्राइव मोड, इको ड्राइव मोड, यहाँ से आप डिस्प्लेस को चेंज कर सकते हैं इंफोटेनमेंट से, रेडियो, इंजन टेम्परेचर, ये ब्लू कलर, ये ब्राउन कलर, ये स्नो मोड, सैंड मोड, नॉर्मल ड्राइव मोड,
एलॉय पैडल्स हैं, थोड़ी स्पेस, ये इंटीरियर सेंसर, चाइल्ड लॉक, लाइट और बूट ओपन करने के कंट्रोल्स। आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन। सिट्रोएन का लोगो है हेडलाइट्स पे। तो ये है 2000 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर पीएसए पेजो सिट्रोएन DW10 FC डीजल इंजन। 174 हॉर्स पावर है, 400 Nm टॉर्क है, 0 से 100 की स्पीड पकड़ेगी 8.6 सेकंड्स में, 211 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है और 18 का एवरेज मिलेगा 52.5 लीटर के फ्यूल टैंक से। ये दुनिया के फेमस डीजल इंजन्स में से एक है। यही इंजन कई पेजो, सुजुकी, फोर्ड, फिएट और वोल्वो कार्स में भी यूज़ हुआ है। सिट्रोएन DW10 डीजल इंजन है ये, 174 हॉर्स पावर और 18 का एवरेज।